सारी बातें H2O इसका उन उसकी कुरान की उसाय से इसी से मतलब है वो अल्लाह मतलब कौन है इसी से यार ओ भाई अपनी मर्जी ऐसा तो मतलब नहीं है मैं समझाता हूँ आपको H2O क्या पता है ओ भाई सर आपको H2O ओ भाई H2O को छोड़ो H4O हो जो मर्जी हो मैं ये कह रहा हूँ उसको कुरान से कहते हैं कुरान में अल्लाह मियां का अर्श पानी के ऊपर तैर रहा था ये क्या बोंगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये मुल्हिदीन अपने आप को बड़े इलम वाले समझते हैं और ये समझते हैं कि हमसे ज़्यादा अक़ल वाला कोई नहीं, और जो बंदा मुल्हिद बनेगा ना तो ये समझ लो जी वो अक़ल कुल है, वो बंदा अक्लमंद है। और जितने भी मज़हब वाले जो है ना वो तो पता नहीं बेवकूफ़ हैं, परले दर्जे के अहमक हैं, नासमझ लोग हैं, जाहिल हैं, माज़अल्लाह। इनकी ये सोच है, इनकी अपनी सोच का अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि इनकी बातें सुने तो आपको पता चलेगा ये खुद कितनी जहालत के अंदर, कितनी गुमराही के अंदर मुब्तला होते हैं। इनसे अगर पूछा जाए कि कायनात कैसे बनी तो ये कहते हैं बिग बैंग से। तो इनसे पूछा जाता है कि बिग बैंग से पहले क्या था, बिग बैंग हुआ कैसे, तो ये कहते हैं कि पहले जो सारा मादा जो था वो मैटर जो था वो एनर्जी की शक्ल में वो एक जगह इकट्ठा था और फिर धमाका हुआ और वो फट गया और फिर सारी कायनात बन गई। अब ये कौन सी कहानियाँ। अब जो इस्लाम की किसी भी मज़हब की अगर कोई बात हो ये कहते हैं कहानियाँ, झूठी कहानियाँ, जिसका सर ना कोई पैर। तो अब इनकी अपनी बातें जिनका ना कोई सर ना कोई पैर। अच्छा वो जो एनर्जी थी वो कहाँ से आई थी, पता नहीं वो हमेशा से थी, वो कहाँ से आ गई जी वो हमेशा से, उसको किसने बनाया था, वो कहाँ से आई थी, वो बनी कैसे थी, वो किस चीज़ की बनी थी एनर्जी, इनको कुछ नहीं मालूम है। कुर्बान जाइए अल्लाह जल्ला शानू के, अल्लाह जल्ला शानू फरमाया मा अशहदतुहुम खल्क अस्समावात वल अर्द वला खल्क अनफुसिहिम, हमने ना तो इनको ज़मीन व आसमान की पैदाइश दिखाई है कि ये ज़मीन व आसमान बनाए कैसे गए हैं, और ना इनको खुद अपना ये अपना दिखाया गया कि तुम कैसे बनाए गए हो। इन्होंने देखा कुछ नहीं है, अंदाजे हैं इनके अपने, तुक्के हैं, लग गया तुक्का ना लगा तुम पर, ये तहकीक कर रहे हैं हम, साइंस है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह जल्ला शानहु ने फरमाया कि अवलम यरल्लज़ीन कफरू, क्या इन काफिरों ने नहीं देखा अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा, कायनात जो है ज़मीन व आसमान जो है वो मिले हुए थे, कायनात मिली हुई थी तो हमने इनको अलहदा कर दिया। और आगे फरमा वजालना मिनल माई कुल्ल शैइन हय, और हमने हर चीज़ को जान वाला बनाया, जानदार बनाया, या हर जानदार को हमने पानी से पैदा फरमाया। तो अब इस कायनात की इब्तिदा कहाँ से हुई, अल्लाह जल्ला शानहु फरमाया वहुव अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, हमने ज़मीन व आसमान जो है छः दिनों में पैदा फरमाए। वकान अर्शहु अलल मा, और अल्लाह ताला का जो अर्श है ये कुरान कहता है, अल्लाह ये जिसने कायनात बनाई है वो रब। देखें और किसी ने हमसे तो कोई बात नहीं की, अब ये कहते हैं हमारी साइंस, इनकी साइंस या इनके चलें, ये कहते हैं कि पहली बात तो कोई खुदा नहीं है, अगर कोई खुदा है तो वो ये खुदा नहीं जिसने कुरान नाजिल किया है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, जो जिसने ये मज़हब बनाया, अगर ये खुदा नहीं है तो इनका साइंस वाला कौन सा खुदा है, वो हमसे आके बात कर ले, वो वही नाजिल कर दे, उसने नबी भेज दिए होते। जिसने कायनात बनाई है, जिसने क्लेम किया है, वो वही ज़ात है जिसने कायनात भी बनाई और अपने नबियों को भी भेजा, आसमानी सहीफ़ों को नाजिल फरमाया, आसमानी किताबों को नाजिल फरमाया, कुरान जिसने नाजिल फरमाया वही क्लेम कर रहा है, वही चैलेंज कर रहा है कि हमने बनाया है और कोई नहीं बनाने वाला, तो हम एक ही दावेदार है, हम उसी को मानेंगे इस कायनात के अंदर, तो कोई दावेदार है ही नहीं और ना कोई बनता है सच्चा। तो कुरान जो है वो दावा करता है, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम ये कहता है, हमें ये समझाता है, बतलाता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान छः मरहलों में पैदा फरमाए, मुख्तलिफ मराहिल में, जिस तरह इंसान मुख्तलिफ मरहलों में पैदा होता है, कभी वो पानी होता, अल्लाह ताला ने इंसान को जो बनाया मट्टी से बनाया, लेकिन फरमाया कि मिन नुतफतिन अमशाज, उछलते हुए पानी से, जो नुतफा है इसको भी पानी फरमाया। तो पानी, दूध जो है लिक्विड कोई भी, उसको हम कहते हैं ये पानी है जो बहने वाली चीज़ है लिक्विड, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पानी से मुराद यही पानी हो जो जिसको हम पी रहे हैं, हाँ ये भी पानी है और दूसरी चीज़ें उसको भी कुरान पाक में पानी कहा गया, जैसे नुतफे को पानी कहा गया। तो अल्लाह जल्ला शानहु ने फरमाया कि छः मरहलों में तो हमने कायनात बनाई, लेकिन उससे पहले का हम आपको बता देते हैं, उससे पहले क्या था। ये लोग कहते हैं कि अच्छा बिग बैंग या कायनात अगर नहीं बनी थी उससे पहले क्या था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया हमने सबसे पहले पानी पैदा फरमाया। तो असल रूह हो या कोई भी जानदार जान वाली चीज़ हो, जानदार हो या कोई भी चीज़ हो, उसकी असल जो है वो पानी है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले पानी को पैदा फरमाया।
वकान अर्श हुआ अलमा, और उस पानी के ऊपर अल्लाह का अर्श था। अभी इनको फिर तकलीफ जाग उठती है, पता नहीं ये कौन सी तकलीफें हैं जो इनके अंदर हैं और जो कौन सी आग इनके सीनों में लगी हुई है जो बार बार भड़क उठती है। जब भी कोई कुरान पाक की तरफ से, इस्लाम की तरफ से, मज़हब की तरफ से कोई बात आती है, इनको तकलीफ जो वो सुइयाँ चुभने लगती हैं, फिर ये कहते हैं नहीं ये झूठ है। अब ये देखें कि समंदर है, समंदर के ऊपर बड़े बड़े बाहरी जहाज तैरते हैं, इसके अंदर क्या अजीब बात है, नहीं होता ऐसे, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, तैरते हैं। अच्छा, चांद और सूरज वो कहते हैं स्पेस के अंदर तैर रहे हैं, अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कुल्लुन फी फलक ही यसबहून, ये सारी चीज़ें जो तैर रही हैं आसमान के अंदर। तो ये जो सूरज इतना बड़ा है, या कहकशाएं हैं, सितारे हैं, मिलियन मिलियन पता नहीं बिलियन कितने बताते हैं, लाखों करोड़ करोड़ सैारे और सितारे हैं, वो कहाँ पे तैर रहे हैं? अगर ये चीज़ें तैर सकती हैं तो अल्लाह जल्ला शानों का जो अर्श है ये जिस पानी को, वो पानी भी कितना ज़्यादा होगा। कुरान के मुताबिक ये जो कायनात जिसकी बनी है वो इसकी असल पानी था, और ये कायनात लिक्विड की शक्ल में थी, कि ज़मीन व आसमान का जो मैटर है, जो मटेरियल है, जो मादा है, जो डार्क मैटर हो या कोई भी मादा हो, वो सारा का सारा एक वक्त ऐसा था कि वो लिक्विड की शक्ल में था, और उसके बाद जो है वो भाप बनी है। और ये भी कहते हैं कि धुआं, डस्ट, ये सारी चीज़ें और आसमान का कलर चेंज हुआ है, आसमान का रंग पहले कुछ और था। तो ये मुख्तलिफ मरहले हैं। अल्लाह जल्ला शानू का अर्श उस पानी के ऊपर था, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं, जिसने सारा कुछ बनाया, आग बनाई है, ज़मीन और आसमान पैदा किए हैं, बिजली बनाई है, पानी बनाया है जिसको हम पीते, प्यास बुझती, हर चीज़ अजीब है। ये क्यों बन गई, कहाँ से आ गई, ऑक्सीजन दुनिया पे कहाँ से आ गई, जैसे ये चीज़ें अजीब हैं वैसे अगर ये भी इसको अजीब मान लीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अनहोनी बात नहीं है, ये ऐसी नामुमकिन चीज़ नहीं है। जो अल्लाह ताला का कुरान कहता है वो सच कहता है, अगर कोई बंदा तहकीक करता है सच्चे दिल के साथ तो उसको हिदायत मिलेगी, अल्लाह ताला रास्ते खोलते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।